कहाँ पे साहिल भाई? यहाँ पे एक बैल है जिसके कान पे चोट लगी है, आपने देखा यहाँ पे? नहीं। इनमें से है कोई? चला भाई नाच लिया हम। दिख रहा है? तीन ही दिख रही है जो है। अच्छा, उसने तो यही बोला था ना नीचे उतरा है। और ढूंढना पड़ेगा, आ जाओ। उसर देखते हैं, बाग में गया होगा। खंड के तरफ तो नहीं गया होगा पानी पीने? बोरी के जहाँ पानी पिया ना उसके ऊपर चढ़ के देखते हैं एक बार। चल देखो ये गाय इधर को गई थी, इधर को आई, उधर से इधर आई, क्योंकि बाग से ज्यादा गोभी थी यहाँ पे, कम लास्ट में कम करती है तो उधर से इस साइड गई गाय। जिसको ढूंढते है वो क्यों नहीं? तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हारे नसीब में नहीं है, जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। जय श्री राम। ये जाला लगा है। कौन सा जाला लगा है? मछली का जाला, टूटा नहीं ना, यहाँ से गए तो पर यहीं से गुजरते हम, ऊपर से बड़ा वो ये घास फूस। बिच्छू पट्टी तो नहीं है यहाँ पे? तुम चलो आगे आगे, मैं क्यों चलूँगा? बहुत सारे जाले हैं ना। चलो चलो चलो, बिच्छू पट्टी तो नहीं है जी? ये बिच्छू पट्टी तो साइड में। हाँ नन्या लगा ले, हाथ लगा के बिच्छू पट्टी तो चले, लिखा लगा के ना 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 यार। चल तो तू बोला नहीं है, बोल पहले है ना, है बिच्छू पट्टी है। चलो चलो, इसमें भी मुश्किल है यार, मेरा ऊपर यहाँ शेड है, एक बार मिल सकता है। इतने पतली जगह से कहाँ से जाएंगे वो? मिला कोई सुराग? मिला सुराग भाई? बहुत घना है यार ये जंगल। भाई भाई तो गायब से हो गया अचानक, दस कदम बाद। रुक जाओ भाई, मैं भटक जाऊंगा यार। ओ भाई ऊपर काट गया भाई, एक तो घर है किसी का, यहाँ पे भी नहीं बैठा है। स्मेल क्यों आई मेरे कीड़ों की? कोई स्मेल क्यों आई? मतलब आसपास ही है कीड़ों की स्मेल आ रही? मैगेट्स भाई, खुला खुला मिला बहुत टाइम बाद। चल दत्तराम जी, प्लान कैंसिल। नहीं है बहुत टाइम मिला यार, कब से कॉल आएगा तो फिर देखेंगे फिर दोबारा। ये एकदम शार्प है, ये किसी चीज से काटा हुआ है। मुझे जो लग रहा है, जो मैं वो बताता हूँ, कि ऐसा लगता है कि गाड़ी ठुकी है और सिंग विंग भी गाड़ी में लगे हैं, किसी गाड़ी नहीं मतलब कोई भी किसी एक्सीडेंटल हिस्ट्री है। तो ये अगर ये गाड़ी से ठुकी होती तो ये बहुत दूर जाके गिरती ना, और भी छोटे छोटे घाव होते इसके बॉडी पे ना, कहीं ना कहीं तो घिसट्टा विसिट्टा लगा होता। हो सकता है ऐसे मारा भी हो, इतना क्लियर लाइन है ना, ये फिर ये भी मार के होगा वही है, वो भी डंडे डुंडे से ही मारा होगा इधर उधर। डंडे से कहाँ टूटेगा, ये शार्प ऑब्जेक्ट ऐसे। ये कंफर्म है इसका एक्सीडेंट हुआ है? कंफर्म है? हाँ हाँ, क्यों हुआ? ट्रक से बजा है, पता है हमको। अच्छा। देखा है नहीं, पता क्या हुआ है, ट्रक निकल गया, आधा निकल गया था ना, ये लड़ रहे थे ठीक है, तो ट्रक के बैक पोर्शन में बजा, जहाँ एंगल लगे होते हैं ना, जो एंगल है कांटे वाले। हाँ ये किसने बताया आपको? ये वहीं पे जिन्होंने कॉल किया साहिब, मेरे को बताओ। अकरा गई होती है गाड़ी से पीछे वाले एंगल से, तो गिर के कहीं ना कहीं और भी दो तीन चोट लगती ना इसको, गले में ही है। और तो मारा कैसे? सिंक किसे पहले गला फाड़ा फिर सिंक कैसे तोड़ेगा? हाँ क्यों नहीं तोड़ेगा, कोई जाके गिरा है। मुझे भी ये लग रहा है कि सिंक की वजह से, मैंने सोचा था कि एक्सीडेंटल तो है। ऐसे बजा सर, पहले सिंक टूटा, फिर ऐसे घूमा है वो, फिर ये गला, फिर बस ट्रक निकल गया था ऑलमोस्ट ट्रक। पहले सर बजा उसका, फिर वो भागा ना एकदम, सर बजा। इतना जोर से गिरा है, सिंक टूट रहा है बेचारा। तो क्या हुआ? सर बजा है ना, ठीक है, लेकिन ऊपरी हिस्से में सिर्फ हॉर्न इंजर्ड है, सिर्फ हॉर्न ना, और उसके ऊपर आजू बाजू कोई हिस्सा ऐसे इंजर्ड नहीं है। क्या पता चला सर? यही कि इसकी सारी मसल की ही इंजरी है, ये अच्छी बात है कि कोई जुगलर डैमेज नहीं है, मतलब डैमेज नहीं है। एरिया को ब्लड सप्लाई देती है वो डैमेज है, पर जो मेजर जो है वेसल्स वो डैमेज नहीं है। अभी बस ड्रेसिंग कर रहे हैं स्वेलिंग के लिए, हम शू में ऑइंटमेंट लगा रहे हैं ताकि स्वेलिंग डाउन हो जाए, और हाइपोटोनिक बैंडेज कर रहे हैं। पपी लेके आए हैं, छोटू सा है, बीच सड़क में मिला इनको, पक्का मावा नहीं थी वहाँ पे, नहीं कुछ नहीं, कोई बच्चा नहीं था, चोट भी लगी शायद।
आप तो नहीं लाए अपने घर? नहीं नहीं, हमारे घर में दो दो है। पक्का? हाँ जी। ले आओ आप इसको ना, बड़ा सुंदर है यार ये तो, देखा आंखें देखो इसकी कोई पूरी, यार ऐसे लग रहा बातें करती हैं इसकी आंखें, है ना? अच्छा रुक रुक आकर इसकी डीवॉर्मिंग करेंगे हम। क्या हो रहा है दूती आज? पपीज़ और पपीज़ आ जा रहे हैं। एक दिन में दो दो पपीज़। प्लीज़ है देखो, टिक्स है, प्लीज़ है देखो। एक्चुअली आरती का फ़ोन आया था ना, जो हमारे काफ़ी सारे एनिमल्स को फॉस्टर कर चुके हैं पहले, और उनको दो पपीज़ मिले थे ऐसे, जिसका सिबलिंग था उसकी डेथ हो गई ना एक्सीडेंट की वजह से। सर जो तेरा चक्रा ये देख प्लीज़, बड़े बड़े टिक्स लेके कहाँ घूम रहा है तू? आज तो डर रहा है, कल यहीं भौंकेगा ना सबको। साइड इफेक्ट तो नहीं है अमूल का कोई? बिल्कुल भी नहीं। तू बोले तेरे देख चंपी करती हूँ मैं, कल क्या मस्त बाल हो जाएंगे तेरे। मेरे पास ही फॉस्टर होना है तूने। यहाँ पे हर आने वाले कुत्ते को एक बार मेरे घर के दर्शन करने होते हैं, उसके बिना इनका पीपल फार्म में सफर अधूरा है। ये सुबह से खा नहीं रही है कुछ भी। अच्छा। और ऐसे सुस्त सी पड़ी हुई है ना, बेड पे शेर रही है ना, कुछ खेल कूद भी नहीं रही है। इसका नाम क्या था ज्योति? सिंड्रेला। हमारे यहाँ से गई थी ना ये? ये छोटे छोटे चार पपीज थे, चार या पांच, इतने इतने से थे छोटे छोटे ना। चंबी से रेस्क्यू किया गया था इनको डंप यार्ड से। कितनी बड़ी हो गई है ना, देखो ना सुंदर कितना है इसको देखो ना। सबसे अच्छा था ना कि इस अडॉप्शन में ना बच्चे इन्वॉल्व थे। अच्छा। और उनका इंटरेक्शन ज्यादा था पेरेंट्स से। आपने करा था इसको अडॉप्ट? हां जी। कितने अच्छे से तो बात करते हो तुम, बताते हो इसके बारे में, बोलो है ना। इतना ज्यादा इसने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी खुद पे ली थी, और नो डाउट उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने अच्छे से निभाई ना। मतलब जब भी वैक्सीनेशन डेट्स होती थी, डीवर्मिंग डेट्स होती थी, तो बकायदा मुझे इससे ही बात होती थी ना मेरी। अच्छा। है ना। और अगर अब जैसे देखो ना, आज इसने एक टाइम खाना नहीं खाया है, और उसको लेके आई चेक करवाने। ऐसी क्यूट है अपन तो, ऐसे अच्छे अच्छे है ना अपन तो, इतने लकी लकी है अपन तो। मतलब ऐसे कुछ खास वो नहीं है ना दिक्कत, सिर्फ खाना नहीं खाया बस। हाँ मतलब वो तो चलो अच्छा है ना कि जितना जल्दी अगर फैसिलिटी है आसपास में, तो अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है वो बढ़े ना, उससे पहले आप चेक करा लो, है ना। इसका नाम अभी आपने सिंड्रेला ही रखा है या कुछ और? स्टफी, फिर पप्पू, जो मुंह में आ जाए। अच्छा अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहा कोई भी आप। अच्छा गोदी ले लिया तुम्हारे से? हाँ गोदी ले लिया, गोदी ले लिया, ज्यादा सर पे चढ़ा के रखी हुई है, बिगड़ी हुई कहीं की, किसने बिगाड़ा इसको ज़्यादा? तुम मुझे तो तुम ही लग रही हो बिगाड़े। 101.9 है उसका, दिखती रहती बारिश में। अच्छा तभी हुई है ये बीमार। तीन बेटे आपके? क्यूट है बहुत ही। इसको कुछ और नहीं देना, सिर्फ पेन किलर देना था इसको? हमें ओरल सस्पेंशन दूंगी ना इनके पास से। अच्छा अच्छा, घर में खिला देंगे। बाय बाय बाय, थैंक यू मैम, आपने वेलकम हमारे यहाँ से ले गए थे आप, अपने इतने अच्छे से रखा। दादी जी कहाँ चढ़े हुए हो आप? एक्चुअली भाई हाइट की प्रॉब्लम है। तो साहिल भाई को बोल देते। बड़ा आया साहिल। अच्छा किसको चढ़ा रहे फिर? कैप्टन को। दीदी परेशान क्यों हो? तुम दोनों की हरकतें देख के। हम तो कुछ हरकत नहीं करते। तेरी टोन कैसे चेंज हो जाती है दीदी? मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ ना प्यार से। इतना प्यार में दिखाया कर लोगों को। कैप्टन के जो ब्लड रिपोर्ट्स कराए थे एलएसटी हमने, उसमें उसका बिलिरुबिन लेवल्स हाई आए हैं, तो जिसकी वजह से आज हम उसको फिर फ्लूइड थेरेपी शुरू कर रहे हैं। लिवर इफेक्टेड तो है, पर क्रॉनिकली इफेक्टेड है, तो लिवर सप्लीमेंट्स उसके चल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसके जो मुंह पे स्वेलिंग है उसका कारण पता लगा सर क्या है? जो स्वेलिंग है वो लिवर कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से ही आई है। जो कैप्टन की आंख पे और उसके जबड़े के नीचे सूजन आई है वो इसकी चोट से फर्क है। इसको कहते हैं एडिमा, यानी कि उसके शरीर में वहाँ पे पानी भर गया है, क्योंकि उसका जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। और सर इसकी आंख का क्या अपडेट है? जब हम लास्ट चेक की थी तो उसमें हमें मुझे आईलिड दिख रही थी, वो थर्ड मेम्ब्रेन से तो कवर थी, पर अभी उस एरिया में स्वेलिंग बढ़ रही है, तो जैसे स्वेलिंग कम होती है फिर दोबारा अंदाजा लगा पाएंगे। ये क्या था? ये क्या बदतमीजी हो रही है? कोई नहीं दीदी, बच्चे हैं। बच्चे नहीं, उसको मारो नहीं मेरे ऊपर। आपके बच्चे बड़े शरारती हैं। कोई नहीं दीदी, इनसे ज्यादा शरारती बच्चे तो पाल रहे। तेरा बोलने का मतलब क्या है? क्या हुआ इसको? इससे ना कुत्ते काटते हैं घर में आके। हाँ जी। तो ये कितने दिन पहले हुआ है? आज से कल हुआ। कल? हाँ जी। चलो फिर तो आप समय पे लिया है, अच्छी बात है। हाँ जी।
कल भी लेके आए थे। अच्छा कल भी लाए थे। तो अब जैसे पूरे पे सूचर्स नहीं लगाए हैं, उसका कारण क्या है सर? अरे वो मास्क का टुकड़ा नोच के ले गया ना, तो जगह नहीं बची उसके, तो सूचर कैसे कर रहे? जहाँ जहाँ पे सूचर की जगह थी वहाँ पे स्किन जुड़ सकती थी आपस में, अपोज हो सकती थी, वहाँ वहाँ पे तो सूचर हो गए, पर जो टुकड़े काट के ले गया उसको सूचर हम कर ही नहीं सकते। आपका ये जख्म है ऐसा लग रहा है, तो मतलब कुत्ता जब आया उसने खाया इसको और वहीं रहा इसके पास कम से कम 10 मिनट तक। तीन चार कुत्तों ने हम लगा रहा था। तो अब हम पहले मास्क के आने का इंतजार करेंगे और खुद ही हील होता रहेगा अपने आप से, खुद ही हील होगा ना, खुद ही स्कैबिंग होगी सब कुछ होगा ना। अभी पेन आने शुरू हुई इसको, ईआरबी शॉट दे दिया इसको, एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है अंदर के जो जख्म है घाव उसको हील होने के लिए। आज के व्लॉग में अगर आप ध्यान दें तो पहले एक बेसहारा पशु आया जिसे किसी ने देखा कि वो तकलीफ में है, उन्हें उस पर तरस आया और उसको यहाँ पर ले आए। फिर किसी ने अपने पालतू पशु को जिससे वो प्यार करती हैं उसे तकलीफ़ में देखा तो उसको यहाँ पे ले आई, और अंत में आई ये भेड़ जिसे इन्होंने काट के बेचना है अंततः, लेकिन उन्होंने देखा कि ये दर्द में है तो उसको इलाज के लिए वो यहाँ पे ले आए। तो इससे एक बात साफ होती है, जो सही गलत से परे है, हमारे खाने पीने की चॉइसेस से परे है, वो ये कि हम किसी और को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, पर ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी सुविधा के चक्कर में हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं। तो आप हमारे ब्लॉग देखते रहिए और हम आपको ये याद दिलाते रहेंगे।